नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य अंबादास दानवे और जिंदल स्टेनलेस लाइफस्टाइल लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर दीपिका जिंदल का मुख्यालय शांतिवन में आगमन। संस्था से जुड़ने का सुनाया सुंदर अनुभव। भारत सरकार के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित रंगोली प्रतियोगिता का संस्था के मुख्यालय समेत देश भर के सेवा केंद्रों पर दिखा जोश। भारत के शूर वीरों को किया नमन। ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न। ब्रह्म कुमारी संस्था के बीके मार्क भी हुए शामिल। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य अंबादास दानवे और जिंदल स्टेनलेस लाइफस्टाइल लिमिटेड की मैनेजिंग और क्रिएटिव डायरेक्टर दीपिका जिंदल का ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्यालय शांतिवन आना हुआ। महाराष्ट्र से आया हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से, लेकिन अभी मेरा परिचय दिया महाराष्ट्र विधान परिषद का, लेकिन मैं सब में पहले बाबा का बच्चा हूँ। दोनों ही अतिथि हाल ही में संस्था के संपर्क में आए हैं। उन्हें संस्था द्वारा दी जा रही आध्यात्मिक शिक्षा और राजयोग मेडिटेशन के प्रशिक्षण में काफी रुचि है और वे अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर जाते रहते हैं। आइए सुनते हैं उनके अनुभव। हम आजादी का 75वां साल मना रहे हैं। 75वां साल से हम स्वर्णिम युग तक जाना चाहते हैं और जो अपने संस्था से जो प्रोजेक्ट शुरू है, शायद पहले हिंदुस्तान को कहा जाता था कि ये भारत देश है मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया, ऐसा भारत देश में होता है ऐसा कहते थे। शायद हमने ये संकल्प किया है कि हम वो स्वर्णिम युग को जाना चाहते हैं। हम तो हिंदुस्तान में करेंगे, लेकिन मैं संस्था को अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र में भी जो प्रोजेक्ट होगा उसमें हम पूरा पूरा साथ रहने का संकल्प करेंगे, क्योंकि स्वर्णिम युग आने जा रहा है। शायद कोई लाएगा नहीं लाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन अपनी संस्था स्वर्णिम युग ला सकती है और लाएगी। जैसे बाबा का ज्ञान मिला, बाबा को तुरंत पहचान गई, लास्ट बच्ची हूँ, सोचती हूँ जितना हो सके बाबा के ज्ञान और नॉलेज को सबको पहुँचाओ कोशिश कर रही हूँ। बाबा ने कार्य में मौका दिया था, काम दिया था, फैक्ट्री में काम करती हूँ, चलाती हूँ, तो यही था कि कहाँ कहाँ बाबा का ज्ञान लोगों को पहुँचाऊँ। तो सर्वप्रथम अपने बाबा की जो फैक्ट्री है उसके जो स्टाफ है उनमें हर वीक एक क्लास होता है उत्थान वेलनेस का, जो हमारी बहन सिस्टर संगीता दीदी करती हैं, जहां उन्हें बाबा का ज्ञान कैसे अपने जीवन को सुधारना वो शुरू है। इस दौरान संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, दिल्ली पांडव भवन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पुष्पा, अहमदाबाद के अंबावाड़ी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शारदा ने अंबादास दानवे और दीपिका जिंदल का शॉल ओढ़ाकर एवं ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मान किया। छूने गगन के छोर, भारत ने भरी उड़ान है, अब आत्मनिर्भर भारत से दूर ना आसमान है। प्रगति और विकास का आनंदोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, ये महोत्सव है निर्माण का, बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। ब्रह्म
ब्रह्मकुमारी संस्था और भारत सरकार के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित एडवेंचर बाइक रैली के 10 राइडर्स की टीम आबू रोड से दिल्ली तक एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देते हुए 7 दिनों में 1600 किलोमीटर यात्रा तय करके वापस संस्था के मुख्यालय पहुंची। मुख्यालय पहुंचने पर सभी राइडर्स का संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, दिल्ली पांडव भवन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पुष्पा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता द्वारा डायमंड हॉल में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में सम्मान किया गया। आपको बता दें, आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 जनवरी को वर्चुअल उद्घाटन द्वारा किया था। उसके पश्चात ये बाइक रैली एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर शांतिवन से रवाना होकर सिरोही, पाली, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, टोंक होते हुए 25 तारीख को गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर पहुंची। शिव बाबा हर बच्चे को खुले दिल से मौका देना चाहता है कि नव निर्माण के कार्य में अपने टैलेंट को जितना यूज करना चाहो यूज कर लो। आपका एक एक की लगी हुई उंगली नए विश्व का निर्माण करती है। इस 7 दिवसीय यात्रा के दौरान बाइक राइडर्स कई सेवा केंद्रों, क्लबों और संगठनों में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य से जागरूक किया और राजयोग मेडिटेशन की जानकारी दी। सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का, जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है। ऐसे ही भारत सरकार के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित रंगोली प्रतियोगिता का संस्था के मुख्यालय समेत देश भर में फैले सेवा केंद्रों पर जोश दिखा। चलिए दिखाते हैं आपको मुख्यालय समेत सेवा केंद्रों पर सजी रंगोली का नजारा। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, गुरु मेरा भारत कहलाता है। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। टेक्सास के सबसे बड़े शहर ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया गया, जिसमें ब्रह्मकुमारी संस्था के बीके मार्क भी शामिल हुए। इस दौरान काउंसिल जनरल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ब्रह्मकुमारी संस्था के साथ के भाषण की चर्चा करते हुए अपनी खुशी जाहिर की और भारत सरकार के साथ मिलकर आध्यात्मिक विरासत को दुनिया के पटल पर लाने के लिए ब्रह्मकुमारी संस्था की सराहना की। इस महोत्सव में मौजूद वैज्ञानिक डॉक्टर पीटर होटेज ने घोषणा की कि हमने भारतीय वैज्ञानिकों के सहयोग से नई कोविड वैक्सीन बनाई है, जो एकमात्र शाकाहारी कोविड वैक्सीन है। इसके साथ ही बीके मार्क की मुलाकात यूएस कांग्रेसमैन, काउंटी जज, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से भी हुई। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।